सुपरस्टार सिंगर 2 में लास्ट वाला एपिसोड स्पेशल माँ के लिए रखा गया था। इस एपिसोड में मशहूर अदाकारा जया पर्दा जी आई थी और अब एक्टर धर्मेंद्र जी भी शो में दस्तक देने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में धर्मेंद्र जी छोटे छोटे कंटेस्टेंट के साथ मस्ती करेंगे और पवन अरुणिता को एक नया नाम देकर जाएंगे। पवन अरुणिता को एक रिश्ते में जोड़कर जाएंगे। उनके सामने कई सारी बेहतरीन परफॉर्मेंस की गई हैं, उनकी फिल्मों के गाने गाए गए। ये एपिसोड उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब अरुणिता के बहू बनने की खबर सामने आई। जी हाँ, बड़े खानदान की बहू बनने जा रही हैं अरुणिता कांचुला। दरअसल शो में आए धर्मेंद्र जी ने सभी कंटेस्टेंट की तारीफ की, साथ ही पवन अरुणिता की भी खास तारीफ की। धर्मेंद्र जी ने कहा कि मुझे वाकई ये जोड़ी बहुत पसंद है और मैं अरुणिता को अपनी बहू की तरह मानता हूँ। धर्मेंद्र जी ने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि वो पवनदीप को अपना बेटा मानते हैं। ऐसे में धर्मेंद्र जी भी चाहते हैं कि पवनदीप अरुणिता हमेशा एक साथ और खुश रहें। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी भी पवन अरुणिता को कपल की तरह देखते हैं। धर्मेंद्र जी की बात पर मनोज मुंतशिर ने सहमति भी जताई। मनोज ने कहा कि अरुणिता से जो भी शादी करेगा वाकई उसकी किस्मत ही बदल जाएगी, और कोई ही क्यों शादी करेगा, पवन अरुणिता तो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब पवन अरुणिता ने इन स्टार्स के स्टेटमेंट पर कैसा रिएक्शन दिया होगा ये तो वही जाने, क्योंकि पवन अरुणिता कैसे और कब तक बताए कि ये कपल नहीं बल्कि दोस्त हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस जोड़ी को देखकर यही अंदाजा लगाया जाता है कि ये दोनों प्यार में हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये जोड़ी दिखावा दोस्ती का करती है और अंदर ही अंदर इनका प्यार उमड़ रहा है? पवनदीप अरुणिता कांचीलाल का हाल ही में तेरे संग झूम झूम लागे गाना रिलीज हुआ था। इस गाने को पवनदीप अरुणिता ने म्यूजिक पाई के स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया था, जिसकी बिहाइंड वीडियो अब सामने आई है। जी हाँ, म्यूजिक पाई के स्टूडियो से पवन अरुणिता की मस्ती भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पवन अरुणिता का प्यार एक बार फिर देखने को मिला। दोनों एक दूसरे में किस तरह खोए रहते हैं वो एक बार फिर वीडियो में देख सकते हैं, और काम के साथ साथ पवन अरुणिता का कितना ख्याल रखते हैं वो सब फिर से देखिए। वायरल रोमांटिक वीडियो में आप देख सकते हैं कि पवन अरुणिता के फोन में कुछ जरूरी देख रहे हैं। वो फोन को देखकर डिस्कस करते हैं और ना जाने फोन में ऐसा क्या है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और पवन के लिए तो कुछ कहना ही नहीं। ऐसा लगता है कि पवन की मुस्कान मुस्कुराहट अरुणिता ही है। वो अरुणिता को देखकर मुस्कुराने लगे और एक बार फिर ना जाने अरुणिता ने उनसे क्या कहा कि पवन अरुणिता को प्यार भरी नजरों से देखकर मुस्कुरा रहे हैं। स्टूडियो में एक शख्स है जिसके बड़े बड़े बाल हैं और वो गिटार को बजाने में लगा हुआ है। शख्स के इतने बड़े बाल हैं कि उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा है। अरुणिता उस शख्स के पास खड़े होकर उनके बालों की तारीफ कर रही है और उनसे कुछ पूछ भी रही है, लेकिन वो शख्स गिटार बजाने में लगा है। अरुणिता को हंसी आ रही है। उस शख्स को देखने के बाद अरुणिता भी पास आके ड्रम को बजाने लगती है। अरुणिता को ड्रम बजाते देख पवन हंसने लगते हैं, उनके पास आते उन्हें सही से सिखाने की कोशिश करते हैं। तभी पास बैठे कुछ लोग पवन अरुणिता से मजाक करते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं कि पवन अरुणिता दोनों हंसने लगते हैं, और इसी हंसी में पवन का हाथ अरुणिता के कंधे पर आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को सिक्योर फील कराने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। ऐसा हम नहीं बल्कि इस फोटो पर मिल रहे कॉमेंट बता रहे हैं। लोग इन्हें फिर से शादी करने को बोल रहे हैं। फिर से पवन अरुणिता की ये रोमांटिक वीडियो खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आप क्या कहेंगे? माँ स्पेशल वाले एपिसोड में अरुणिता जब बुरी तरह रो रही थी तो पवन उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, अरुणिता का सपोर्ट करने वाले पवन उनके पास आए, उन्हें समझाने लगे, उन्हें हंसा रहे थे ताकि अरुणिता अपनी माँ से ध्यान हटाकर हंसे। लेकिन अरुणिता अपनी माँ की फोटो से ध्यान हटा ही नहीं पा रही थी। पवन ने अरुणिता को हंसाने की लाख कोशिश की लेकिन पवन असफल रहे। अरुणिता के आगे ऐसी ऐसी हरकत करने को मजबूर हो गए जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। अरुणिता के लिए पवन बच्चे बन जाते हैं, उनके सामने लड़कपन वाली हरकतें करने लगते हैं, नाचने लगते हैं ताकि कैसे भी अरुणिता हंसे। लेकिन अरुणिता अपनी माँ को ही देखे जा रही थी, और आखिरकार पवन ने उस बच्चे को जाकर कह दिया कि भाई दोबारा ऐसे गाने मत गाना जिससे अरुणिता रोती है। अरुणिता को संभालना जब मुश्किल हो गया तो पवन मनी के पास जाते हैं, वही मनी जो मंच पर अक्सर अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को रुला देते हैं। इस बार मनी ने अरुणिता को बेहोश ही कर दिया। मनी ने जब अरुणिता की माँ की फोटो दिखाई तो उस वक्त गाने की लाइन थी
वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। अब ये लाइन सुनकर अरुणिता और तेज रोने लगी। दो दो लोग अरुणिता को चुप कराने में लगे थे, लेकिन अरुणिता टस से मस नहीं हो रही थी और रो ही जा रही थी। पवन उनके आगे हंसी मजाक करने लगे, लेकिन अरुणिता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शूटिंग खत्म होने के बाद मनीता अरुणिता के पास जाते हैं और सॉरी दीदी कहते हैं। तब तक अरुणिता माँ की याद में बिल्कुल बेसुध हो गई थी। पहली बार अरुणिता पवन को एक दूसरे से कुछ इस तरह से लाड़ प्यार करते देखा गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या पवन की तरह अरुणिता को कोई ऐसा दोस्त मिल पाएगा? पवनदीप राजन का नाम पूरे देश में रोशन है। ज्यादातर लोगों ने पवनदीप का नाम और चेहरा इंडियन आइडल के सेट पर सुना और देखा था। इंडियन आइडल पवनदीप की जिंदगी का ऐसा शो रहा जिसने उनकी किस्मत ही पलट दी। हालांकि पवनदीप तो बचपन से ही गाना गा रहे हैं, इधर उधर शो भी करते आए हैं, लेकिन असली पहचान उन्हें इस शो से ही मिली है। ये वही शो है जहां से न केवल पवनदीप को नाम और शोहरत मिला, बल्कि उनके परिवार को भी इस शो से बहुत उम्मीदें अभी तक हैं। जी हां, आज इसी शो को लेकर पवनदीप को गुड न्यूज मिली है, तो हर कोई उन्हें बधाइयां दे रहा और पूरा उत्तराखंड से लेकर देश भर उनकी खुशी में शामिल है। दरअसल हुआ ये कि इंडियन आइडल के नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है, यानी इंडियन आइडल के नए सीजन के ऑडिशन शुरू होने वाले हैं, जिसकी लिस्ट सामने आ गई है। इस दिन का पवनदीप के घर वालों को और पवनदीप को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि पवनदीप के अलावा अभी उनके घर में एक और सिंगर है। जी हां, पवनदीप की बहन ज्योति दीप, जो कि अब पवनदीप की तरह ही इस शो में भाई की तरह मुकाम हासिल करना चाहती है, वो भी इस शो को जीतना चाहती है और बहुत आगे तक जाने वाली है। इसलिए ज्योति दीप ने हाल ही में शो को अपनी वीडियो भेजी थी और अब ऑडिशन शुरू होने वाले हैं, जिसकी लिस्ट हम आपको बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। पहले ऑडिशन की बात करें तो पहला ऑडिशन जयपुर में होने वाला है। जी हां, 8 जुलाई को जयपुर के सुपरस्टार सिंगर ऑडिशन देने वाले हैं और इस शो के जरिए वो अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। इनके अलावा 10 जुलाई को भुवनेश्वर, 12 जुलाई को गुवाहाटी में ऑडिशन होने वाले हैं, 14 जुलाई को पटना में, 17 जुलाई को कोलकाता में, कोलकाता जहां की अरुणिता कांचीलाल है। हो सकता है कि अरुणिता की कोई दोस्त या कजन भी इस शो में हिस्सा लेने आए। इनके अलावा 19 जुलाई को इंदौर, 21 जुलाई को लखनऊ में ऑडिशन होंगे और उसके बाद 24 जुलाई को मुंबई में और 26 जुलाई को चंडीगढ़ में ऑडिशन होंगे और इन सब के बाद 28 जुलाई को देहरादून में ऑडिशन होंगे और वही दिन ज्योति दीप के लिए खास है। जी हां, ज्योति दीप 28 जुलाई को ऑडिशन देने वाली हैं। 28 जुलाई ज्योति दीप के लिए बहुत खास दिन रहने वाला है। इस दिन के लिए ज्योति दीप काफी ज्यादा एक्साइटेड और बहुत मेहनत भी कर रही हैं। उत्तराखंड के बाद सबसे लास्ट में यानी 31 जुलाई को नई दिल्ली में इंडियन आइडल के ऑडिशन होने वाले हैं, तो कुल मिलाकर एक महीने तक ऑडिशन होंगे, उसके बाद अगस्त से इस शो की शूटिंग शुरू हो जाएगी।